क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम् आसीत व्रजेत किम्। हरे कृष्ण। तो हम आज एक बार फिर 2.54 पर ही चर्चा करेंगे, कल भी हमने इस पर की थी। और ये श्लोक जो अर्जुन ने बोला है, अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इससे पिछले श्लोकों में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से शुद्ध भक्त बना जाता है, मनीषिणः बना जाता है, और किस तरह से समाधि में स्थित हुआ जाता है। अब समाधि में पिछले श्लोक में भगवान कह रहे हैं समाधव अचला बुद्धिस, जो समाधि में स्थित होता है उसकी अचला बुद्धि होती है। उसकी अचला बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि फिक्स्ड होती है, चलती नहीं रहती भोगों में, भगवान की चरणों में स्थित होती है। तो ये कहने के बाद भगवान के कि उसकी बुद्धि भगवान के चरणों में स्थित होती है, एकदम से अर्जुन के माइंड में क्वेश्चन आया कि भगवान स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जिसकी बुद्धि जिसकी चेतना, प्रज्ञा मतलब चेतना, जिसकी चेतना भगवान के चरणों में स्थित है उसके लक्षण क्या है। भगवान पहले मुझे ये बताओ आप, मैं तो अब कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, क्योंकि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जंगल जाके तपस्या करना चाहता हूँ, मारने से क्या फ़ायदा इन सबको, अपने सब रिलेटिव्स को। आप कह रहे हैं कि नहीं मारो, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, लगी हुई है, जिसकी चेतना भगवान में स्थित है, ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। और उसको भी फिर अर्जुन ने चार भाग में पूछा कि स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कि उसकी भाषा क्या है। भाषा क्या है मतलब उसकी भाषा क्या है, मतलब वो बिहेव किस तरह से करता है। जब कोई उसको ब्लेम करता है, जब कोई उसके ऊपर आरोप लगाता है कि तुमने ये चोरी की है, और उसने चोरी नहीं की हुई, और वो एक जीवन मुक्त, वो मुक्त जीव है, लिबरेटेड सोल है, और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम आ गया, तो क्या उस टाइम पे क्या बिहेव करेगा, उसका बिहेवियर चेंज तो नहीं हो जाएगा, वो गालियाँ तो नहीं निकालेगा, अरे तुम साधो तुम्हें पता नहीं कि कि मैं शुद्ध भक्त हूँ, तुम मेरे ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हो। नहीं, उसकी उस टाइम पे क्या भाषा रहेगी। और फिर किम प्रभाषेत, वह बोलता कैसे है, बोलता कैसे है, अर्थात जब उसके पास अधिक धन आ जाएगा या बहुत गरीबी आ जाएगी, तो उस टाइम पे वो क्या बोलेगा, क्या वो गालियाँ निकालेगा भगवान को कि भगवान आप हैं तो फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं तो भगवान आपकी इतनी भक्ति करता हूँ। उस टाइम पे उसकी बोली कैसे, वाणी कैसे होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल खोला बेचा श्रीधर चैतन्य महाप्रभु की लीला में, वो बस अपने डोने बेच के थोड़े बहुत पैसे कमाते थे, उसमें भी चैतन्य महाप्रभु आके उनके डोने लेके चले जाते थे फ्री में, कोई पैसा भी नहीं देते थे। और वो कहते थे यार ठीक है, मतलब अब जैसी हरि की इच्छा, मैं पैसे नहीं है तब भी वो, क्योंकि लिबरेटेड सोल थे तब भी वो डिस्टर्ब नहीं होते थे। तो ये पॉइंट बताया जा रहा है कि वह बोलता कैसे है, किम आसीत, वह बैठता कैसे है, अर्थात वो मन को पकड़ के कैसे रखता है, बैठता कैसे मतलब मन को पकड़ के कैसे रखता है, और भगवान के चरणों में कैसे बिठाता है। जब उसकी लाइफ में फॉर एग्जांपल उसको उसके घर वाले उसको कोई डिवोशन कर रहा है बहुत सिंसियरली, और उसके घर वाले उसको ले गए किसी शादी में ले गए, नहीं चलो तुम भी शादी में हमारे साथ, शादी अटेंड नहीं करते, और वो शादी में चला गया, तो वो वहाँ पर उस बैठेगा कैसे, बैठेगा कैसे मतलब मन को कैसे पकड़ के रखेगा, और फिर भगवान के चरणों में कैसे बिठा के रखेगा उस परिस्थिति में भी, जहाँ पे जहाँ उसके घर वाले हो सकता है उसको सिनेमा हॉल ले जाएं, मूवीज दिखाने, उसको शादी में ले जाएं, शादी में भी इधर उधर डांस चल रहा है और लोग बातें कर रहे हैं, उस परिस्थिति में भी उसका वह बैठेगा कैसे, मन को कैसे पकड़ के बिठाएगा भगवान के चरणों में। और व्रजेत किम, और वह चलता कैसे है, अर्थात वो अपनी इंद्रियों को चलाता कैसे है, मन और इंद्रियों को कैसे चलाएगा, वो कैसे चलाएगा मीन्स कि समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए कैसे चलाएगा। क्या वो हिमालय पर्वत पे चले जाएगा, हिमालय की चोटी पे जाके बैठ जाएगा। साधारणतः यही धारणा होती है कि
समाधि में स्थित, मतलब हिमालय में बैठा होगा ओम करता हुआ। लेकिन नहीं, अर्जुन पूछ रहा है कि वो चलता कैसे है। इसका मतलब जो समाधि में स्थित लोग होते हैं वो चलते भी हैं, वो केवल बैठे नहीं रहते 6-6 महीने समाधि में। तो चलता कैसे है वो, क्या वो भाग जाता है हिमालय पर्वत पे आराम से वहाँ बैठा रहता है, या वो शहर में रहकर प्रीचिंग करता है, तो उस टाइम पे वो कैसे चलता है, मन और इंद्रियों को कैसे पकड़ के रखता है। और पिछले 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 वर्ड में उसने पूछा अर्जुन ने कि मासी कि वो बैठता कैसे, मतलब मन को और इंद्रियों को बिठा के कैसे रखता है भगवान के चरणों में। और आगे फिर पूछा व्रजेत किम, और फिर जरूरत पड़ने पे उसको चलाता कैसे है मन और इंद्रियों को, प्रचार कैसे करता है वो, मन मन को पकड़ के कैसे रखता है। जैसे महाप्रभु ने कहा वो कैसे रखता है, तो महाप्रभु ने कहा कि अमार आज्ञा गुरु होइया तारे देश, क्या श्लोक है वो, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइया तारे देश तबू ना बानी वे तुम्हें विषय तरंग, कि अगर तुम भगवान का प्रचार करोगे तो तुम्हें विषयों की तरंग, इंद्रिय विषय तुम्हें तंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा होती है ऐसे व्यक्ति पे। तो जो जीवन मुक्त है उस पर भगवान की असीम कृपा होती है। असीम कृपा मतलब ये वाली कृपा नहीं कि धन आ जाएगा उसका, ये नहीं, जिसके असली कृपा होती है, जिसके ऊपर असली कृपा होती है भगवान की, उसकी मन और इंद्रियां पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होती हैं। तो ऐसे जीवन मुक्त व्यक्ति के लक्षण क्या है भगवान, मुझे ये बताइए। ये अर्जुन यहाँ पर 4 प्रश्न पूछ रहे हैं सिंपली, अगर हम समझें। और फिर अर्जुन यहाँ पर 3 वर्ड्स भी यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली टेक्निकल क्वेश्चन हैं ये, समझ रहे हैं ना, ये वैसे नहीं कि वो खाता कैसे, पीता कैसे, सोता कैसे, नाश्ता कैसे, नहीं, वो बहुत गहराई में पूछ रहा है, जाके सटल लेवल पे पूछ रहा है क्वेश्चन। और फिर 3 वर्ड्स यूज़ कर रहा है, स्थित प्रज्ञस्य समाधिस्थस्य स्थितधि। स्थित प्रज्ञस्य मतलब उसकी चेतना किस तरह से, जिसकी चेतना भगवान के चरणों में स्थित है, उसकी भाषा क्या है। समाधिस्थस्य जो समाधि में स्थित है, समाधि में मतलब जिसका मन भगवान में लग चुका है, जिसका मन भगवान में लग चुका है, वह बोलता कैसे है, बोलता कैसे है मतलब किम प्रभाषित। और फिर स्थितधि, वह बैठता कैसे है और वह चलता कैसे है। स्थितधि, इन स्थितधि का उच्चारण करते हुए अर्जुन 2 प्रश्न पूछ रहा है कि वह किम आसीत व्रजेत किम, वह बैठता कैसे है और वह चलता कैसे है, इस तरह से। और स्थितधि मतलब विवेक, डिस्क्रिमिनेटिंग इंटेलिजेंस, एक्चुअली आचार्य लिख रहे हैं कि वो भोग और भक्ति में जो भेद देख सकता है, ऐसे व्यक्ति बैठता कैसे और चलता कैसे। बस ये अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है। अब कल से हम भगवान जो रिप्लाई कर रहे हैं उन श्लोकों पर चर्चा करेंगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जीवन में लगाने योग्य श्लोक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की।